हेलो सुपर फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाला है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के ऊपर। इसमें मूवी की थोड़ी एंडिंग भी एक्सप्लेन की जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, पूरी मूवी एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाऊंगा मैं, बस सीधे पोस्ट क्रेडिट सीन पर ही फोकस करेंगे। और जितनी चीजें जरूरी हैं और एमसीयू के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगी, बस उन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में मूवी के काफी सारे सीन्स डिस्कस किए जाएंगे जिससे आपका सस्पेंस खराब हो सकता है अगर आपने मूवी नहीं देखी है, और अगर आपने मूवी देख ली है तो एंजॉय दिस वीडियो। सो मूवी के लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड मैजिक को यूज करते हैं स्कारलेट विच को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ अमेरिका चावेस एक पोर्टल ओपन करके स्कारलेट विच को भेज देती है बिली और टॉमी के यूनिवर्स में, जहां थोड़े से इमोशनल सीन्स होते हैं और स्कारलेट विच को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जो कि उसको वांडा विजन के भी लास्ट में हुआ था। और यहाँ पे भी उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि किस तरह से वो गलत चीजें कर रही थी, तो वो अपने आप को रोक लेती है। अब यहाँ पे काफी लोगों को लग रहा है कि स्कारलेट विच मर गई, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि स्कारलेट विच अभी अपनी डिज्नी प्लस सीरीज के साथ वापस एमसीयू में लौटने वाली है। उसके बाद जब सब ठीक लगने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस न्यूयॉर्क आते हैं, तो ऐसे ही टहलते टहलते मूवी के लास्ट में अचानक से उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। अब ये शो करने का मतलब ये था कि स्कारलेट विच ने भले ही सारे यूनिवर्सेस की डार्क होल्ड बुक्स को जला दिया हो या डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन जो डार्क होल्ड मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज किया था, उसका डार्क मैजिक अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर है। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज यहां से बुरे बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज ये शो करने के लिए है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब उनके पावर सेट में डार्क मैजिक भी इंक्लूड हो गया है। जिस तरह से एमसीयू की हर नई मूवीज में हीरोज की पावर्स को बढ़ाते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स में अपग्रेड हुआ है। मतलब नेक्स्ट मूवी में जब हम लोग देखेंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज की अच्छी पावर्स के साथ उनके पास अब डार्क मैजिक की भी पावर है, तो इसका मतलब अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है मिड क्रेडिट सीन, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट पर आराम से टहल रहे हैं, तभी वहां पर एक औरत आती है पर्पल ड्रेस में, और वो बताती है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक इनकर्जन कॉज किया है। अब इनकर्जन वर्ड को याद रखिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब ये लेडी उसके बाद एक पोर्टल ओपन करती है जो कि लीड करता है डार्क डायमेंशन में, और उसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी तुरंत अपनी तीसरी आंख खोलकर उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तो अब ये लेडी है कौन? तो ये एक्ट्रेस चार्लीज थेरॉन है, जो कि एमसीयू में अब क्लिया का रोल प्ले करेंगी। तो ये पर्पल ड्रेस वाली क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। 1964 की स्ट्रेंज टेल्स इशू 126 में क्लिया इंट्रोड्यूस कराई गई डोरमामू की भतीजी की तरह। अब डार्क डायमेंशन से होने के बावजूद ये कोई इविल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक अच्छी कैरेक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करती है डोरमामू को हराने में, और उसके साथ ही साथ इनका रोमांटिक एंगल भी बनता है। और आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया दोनों शादी भी कर लेते हैं कॉमिक्स में। पावर्स की बात करें तो क्लिया काफी पावरफुल मैजिशियन है, बहुत सारे अच्छे मैजिक के साथ इसको डार्क मैजिक की भी काफी अच्छी खासी नॉलेज है, और जो इसका मेन वेपन है वो है इल्यूजंस क्रिएट करना। तो ये तो बात हुई कॉमिक्स में क्लिया की, अब एमसीयू में क्लिया का रोल क्या हो सकता है इसकी बात करें, तो इन सीन्स को देखने से लग रहा है कि क्लिया को मल्टीवर्स की ऑलरेडी काफी अच्छी खासी नॉलेज है, और उसको पता है कि मल्टीवर्स के दो वर्ल्ड्स कैसे कोलाइड हो रहे हैं और इसको किस तरह से रोक सकते हैं। अब क्योंकि क्लिया का कनेक्शन डोरमामू से सीधे सीधे है, तो इसका मतलब नेक्स्ट मूवी या नेक्स्ट जो भी इवेंट होने वाला है उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ एक अच्छा खासा टीम अप करके सीधे सीधे डोरमामू के अगेंस्ट जाने वाले हैं, क्योंकि डोरमामू पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लास्ट में मरा नहीं था बल्कि वो अग गया था, और इसका मतलब अभी भी वो जिंदा है और प्लानिंग कर रहा है वापस आने की। तो अब जब मल्टीवर्स अच्छा खासा ओपन हो चुका है, तो लॉजिकली डोरमामू का आना तो बनता है, और इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया मिलकर डोरमामू को रोकने का प्लान बनाएंगे। अब आते हैं इनकर्जन वर्ड पे, जो कि क्लिया ने यूज किया था। तो इनकर्जन है क्या चीज? अब ये इनकर्जन वर्ड हम लोगों को देखने को मिला था सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में, जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, मतलब सीक्रेट वॉर कॉमिक्स मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो अगर आप उसके वीडियोस को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं इनकर्जन का दे देता हूँ। तो एक बार डॉक्टर डूम के इविल प्लान्स की वजह से सारे मल्टीवर्स में खलबली मचने लगी, मतलब सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड होने लगे। अब इसको रोकने के लिए और अपने अपने यूनिवर्सेस को बचाने के लिए हर अर्थ की जो पावरफुल टीम्स थी, उन्होंने दूसरी अर्थ को पहले ही डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया, जिससे कि उनकी अर्थ दूसरी अर्थ से ना टकराए। अब इसकी वजह से एक अच्छी खासी वॉर क्रिएट हो गई। खैर कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम अपने प्लान्स में सक्सेसफुल हुआ था, और ये इनकर्जन रुका नहीं था बल्कि पूरा हुआ, जिसके बाद एक बैटल वर्ल्ड फॉर्म हुआ। तो उस बैटल वर्ल्ड में हर एक यूनिवर्सेस की अच्छी अच्छी चीजों को या इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड किया गया, जिस वजह से काफी सारे थॉर्स हमें देखने को मिले, काफी सारे स्पाइडरमैन देखने को मिले, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ देखने को मिली, और एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन थी। लोकी सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तो वहां पर भी हिंट मिले कि सीक्रेट वॉर्स इवेंट हुआ था, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी रीड रिचर्ड्स दिखाई दिए गए हैं, जो कि कैंग द कॉन्करर से भी रिलेटेड है, और डॉक्टर डूम भी रीड रिचर्ड्स की स्टोरीज से कनेक्टेड है। तो ये ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट वॉर्स इवेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे ये भी चीज पॉसिबल हो सकती है कि फ्यूचर में अगर कोई बड़ा इवेंट एवेंजर्स 5 जैसा होता है, तो उसमें सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन को ही फॉलो किया जाएगा, और उसी के लिए सारा सेटअप बनाने की तैयारी चल रही है। और अभी के लिए सीक्रेट वॉर्स, इनकर्जन और इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, और आज केवल पोस्ट क्रेडिट
एमसीयू में जितनी चीजें दिखाई गई हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो मैंने क्लिया के बारे में आपको बता दिया, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल्ड की वजह से तीसरी आंख मिल गई है उसके बारे में बता दिया है, डोरमामू के पोर्टल के बारे में बता दिया है। तो इस तरह से ये मिड क्रेडिट सीन कंप्लीट होता है। और इसके अलावा जो भी थ्योरीज है वो धीरे धीरे करके मैं आगे की वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, जिससे सारी चीजें ग्रेजुअली हम सबको समझ में आए। और अब आते हैं एंड क्रेडिट सीन में, जो कि एमसीयू से रिलेटेड नहीं था लेकिन एक फनी सीन था। तो वहां पे हमें दिखते हैं ब्रूस कैंपबेल, जो कि मूवी में पहले भी दिख चुके थे, जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में गए थे जो कि था अर्थ 838। तो वहां पर ब्रूस कैंपबेल पिज्जा पोपा नाम की एक दुकान खोले हुए हैं, जिसकी खाने को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस से थोड़ी बहस हो जाती है। और उसी में डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा अपना जादू दिखाते हैं, जिससे ब्रूस कैंपबेल का हाथ उन्हीं के फेस पे बार बार हिट करने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि 2-3 हफ्तों में सही हो जाएगा। तो वही सीन कंप्लीट हुआ एंड क्रेडिट सीन में, जहां पर ब्रूस कैंपबेल का हाथ उनको मारना रोक देता है। अभी एक सीधा रेफरेंस एविल डेड फ्रेंचाइज का, जहां पर ब्रूस कैंपबेल और सैम रेमी ने साथ में काम किया था। ब्रूस कैंपबेल और सैम रेमी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सैम रेमी की ज्यादातर मूवीज में ब्रूस कैंपबेल होते ही हैं। चाहे टॉबी मैग्वायर वाली स्पाइडरमैन मूवीज को ही देख लीजिए, ज्यादातर मूवीज में ब्रूस कैंपबेल होते ही हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो यहाँ पर भी लास्ट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का असर खत्म हो जाता है तो ब्रूस कैंपबेल का हाथ उनको मारना रोक देता है, और ब्रूस कैंपबेल फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए बोलते हैं इट्स ओवर, जो कि उनकी इस पिटाई को खत्म करने के लिए भी था और मूवी की एंडिंग के लिए भी था। और एक रेफरेंस था एविल डेड फ्रेंचाइज का, वहां पर भी ब्रूस कैंपबेल का क्लोज्ड हैंड उनको काफी हिट करता रहता था। तो यही दोनों मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हमें देखने को मिले। अब इसमें मिड क्रेडिट सीन एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और धीरे धीरे इससे रिलेटेड और भी थ्योरीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लिया के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, और भी फैन थ्योरीज जो भी इस रिलेटेड ट्रेंड में होंगी उनके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए, और ब्लू आइसबर्ग के दूसरे वीडियोस भी देखते रहिए।